परमेश्वर का आराधना करते हुए बहुत आनंद हो रहे हैं। और सीधा परमेश्वर वचन की ओर चले जाएंगे। परमेश्वर ने योशुआ को यह बोल रहे Keep this book of the law। यह व्यवस्था की पुस्तक लेते रहो। Always on your lips। और हर दम तुम्हारा होठों में लेते रहना। And then he says, meditate on it day and night। इसको दिन और रात मनन करते रहना। यहाँ परमेश्वर जब नहीं बोल रहे सुबह सुबह तुम बाइबल को पढ़ते रहना या मनन करते रहना, नहीं बोलता। और रात्रि को ही बाइबल पढ़ना या मनन करना, नहीं बोलता। लेकिन यहाँ बोलता दिन और रात उसमें मनन करते रहना बोलता। यहाँ बोलता यदि तुम ऐसा करोगे उसको पालन करने में Then, और उसके बाद क्या है, ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरा सवाल आप लोगों के बीच में आज का सुबह का समय क्या है, क्या आप प्रभावशाली बनने चाहते हैं, आशीषित बनने चाहते हैं, क्या आप सफल बनने चाहते हैं, और क्या आप आशीषित बनने चाहते हैं। यदि आप ये सारा चीज करने चाहते हैं तो यू नीड आप परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ बातों को मानना होगा। मेरा आज का शिक्षक है परमेश्वर का माने, परमेश्वर का व्यवस्था को माने। What is the law? परमेश्वर का व्यवस्था क्या है? God's law is His word। परमेश्वर का व्यवस्था उसका की वचन है। If you want to know the law, यदि आप परमेश्वर का वचन को व्यवस्था को जानेंगे, you have to read the word in the scripture which is the Bible। और जो परमेश्वर का वचन बाइबल में दिया आपको वचन को आप पढ़ने लगेंगे। क्योंकि यहाँ हर एक परमेश्वर का नियमों को लिखा हुआ है। घोषणा करना, not explain, उसको व्याख्या करना नहीं। When you go to buy the iron, जब आप आयरन को खरीदने जाएंगे, और आयरन में जो लिखा है वो चीज, water use mere और पानी के
आयरन को प्रयोग में न लाना बल्कि लिखा हुआ और मतलब ऐसा एक्सटेंड व्याख्या किया नहीं कि यदि पानी के पास में प्रयोग करी उन्हें तो क्या होगा घोषणा है खाली नोटिस आपको दे रहे लेकिन व्याख्या नहीं कर रहे परमेश्वर का वचन भी एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ नहीं है व्याख्या नहीं किया है लेकिन वहां तो घोषणा किया हुआ है And then we Christians should follow the law. और हम लोग मसीह होने के कारण उस नियमों का हम लोग पालन करते हैं You know, when God created the Christians, जब परमेश्वर ने ये संसार को सृष्टि किया He just mitigated out the law. वो नियमों के साथ व्यवस्थाओं के साथ उसने किया और विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं कि परमेश्वर का नियमों के बारे में व्यवस्था के बारे में अभी डॉक्टर माइरस मोरे का शिक्षा को सुन रही थी परमेश्वर ने हवा में पक्षियों को सृष्टि किया ताकि पक्षी वो हवा में उड़ सके और वो पक्षी के लिए हवा ही नियम हो गया परमेश्वर ने मछली को पानी के नीचे रहने के लिए बनाया लेकिन इस सृष्टि और परमेश्वर का नियम के बारे में नहीं पता नियम का बारे में कि लोग व्यवस्था के बारे में परीक्षित नहीं होता मछली पानी को छोड़ के ऊपर आकाश में उड़ने नहीं खोजता क्योंकि उन लोगों का यह नियम है व्यवस्था है वो जानते हैं कि हम लोग पानी के नीचे रहना है Yes.
वह शैतान जो अंधेरी रूप में रहता है निरंतर आप और मेरे पास आता है। When you claim the word of God, the enemies which is will become strength। परमेश्वर का वचन को घोषणा करके तब तो उस शैतान जो है अंधकार का शक्ति कांपेगा, डरेगा। So we shall should proclaim the word of God in our hearts। हम लोग अपना होठों के द्वारा, मुखों के द्वारा हम लोगों को घोषणा करना होगा। And again he says, meditate on it day and night। और यह बोलता दिन और रात इसके ऊपर मनन करते रहना बोलता। And last night I was searching about the meditation. What is the meaning of meditation in the Bible? गत रात हम खोज रहे थे मनन करने के बारे में, क्या है मनन, किसको बोलता है, वचन के ऊपर मनन करना, इसके बारे में हम खोज रहे थे। और मसीह मनन का बात यह है कि वह कार्य जो हम अनुभव कर सकते हैं। और वो अनुभव परमेश्वर का वो वचन में अनुभव करना, उसके बारे में मनन करने का बात परमेश्वर का व्यवस्था नियम क्या है बोलते। So how you will obey
से उसको आगे पालन करते हैं और उसके पीछे बोले आप ऐसे अंधा दुनिया में विश्वास नहीं कर सकते परमेश्वर के साथ या परमेश्वर के साथ वह सरकार है या गवर्नमेंट है राजा होता है राजा और प्रभु का प्रभु है। आमीन।
यीशु राजा का राजा और प्रभु का प्रभु है। तो ही इज द रूलर ऑफ द हेवंस एंड वो शासन करता है, स्वर्ग और पृथ्वी का शासन करता है, वही परमेश्वर है। एंड ही इज रूलिंग और उसका यह शासन ही रूल विद जस्टिस राइट एकदम न्याय संगत के साथ वो करता है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन वहां कोई पक्षपात नहीं होगा। And then in God's government, और यहाँ परमेश्वर का सरकार जो होगा, there is no और वहाँ परमेश्वर का व्यवस्था नियम रहता है। There is no government without God. और वहाँ ऐसा सरकार नहीं है कि जहाँ नियमों के अलावा कोई सरकार बने। Every government, even here on earth, also they have. Yes, संसार में भी हर एक सरकार के पास एक एक नियम होता है, कानून होता है, संविधान होता है। We have heard that even here in India, so they now they try to change the constitution, the law of the community. हम लोग अभी भारत में भी नियमों को चेंज हो रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। And there are why needs the law? क्यों नियम या व्यवस्था चाहिए? यदि नियम या व्यवस्था न रहे वहाँ कोई पनिशमेंट या कोई सजाए नहीं रहता। पहला योना 3:4 पद देखिए, पहला योना 3:4 योना के पहली पत्र 3:4 एपिस्टल जोन जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। और रोमियों के पुस्तक 4:15 पद फिर ऐसा बोलता व्यवस्था तो क्रोध जाती है और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं होता। नियम या व्यवस्था उन लोगों के लिए जो अच्छे काम नहीं करते। और जो अच्छा तरीका से चलता है या करता है उसके लिए व्यवस्था या नियम आवश्यकता नहीं है। Okay, so let us go to the beginning of the book of Genesis. शुरू में उत्पत्ति का पुस्तक का शुरू में हम लोग जाके देखें थोड़ा सा। You know, we are not going to read the Bible. हम लोग बाइबल को पढ़ने का जरूरत नहीं है। You know, Adam. आप जानते हैं आदम को? He fell into sin. वो पाप में पड़ गया। And was condemned to sin because और वही पाप उसको ऐसा दास बनाया एक ही कारण था, वो आज्ञा उल्लंघन करने के कारण। परमेश्वर ने आदम को नियम दे दिया था लेकिन आदम आज्ञा को उल्लंघन किया और वही व्यवस्था का आज्ञा को उल्लंघन किया, इसलिए तो पाप का बंधन में फंस गया। इसलिए हम जानते हैं परमेश्वर का व्यवस्था का आदम जानता था। लेकिन जानता था लेकिन उसने पालन नहीं किया। इसलिए तो जब उसने पाप किया तब तो परमेश्वर उसको पनिशमेंट दिया, सजा दिया। हम लोग भी जब परमेश्वर का व्यवस्था को नियम को जानते हैं लेकिन जब हम लोग उसके अनुसार नहीं चलते हैं हम लोग तोड़ देते नियम को और वही नियम या व्यवस्था हम लोग को पनिशमेंट करता है। अभी ट्रैफिक जो जाम होता है ना ट्रैफिक में वहाँ भी नियम है व्यवस्था है। वहाँ 3 लाइट लगाए हुए आप देखते हैं कि लाल हरा और पीला यदि लाल बार चल रहा है every car they are अरे कार बार जो भी ये चल रहा हुआ चीज रुक जाएगा। no, I don't
बत्ती को लाइट को आप ओवर नहीं करते हैं, मानते नहीं हो, यदि आप वो तोड़ दे देंगे हम, पर ट्रैफिक पुलिस कैच यू, एक दिन ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेगा, आपको फाइन देना पड़ेगा। हमको सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा हमें अपने हमको सुरक्षा में पता नहीं। जो भी इन नियमों को तोड़ता है पनिशमेंट जाना होगा। That's why here God says to Joshua, इसलिए तो योशुआ को परमेश्वर बोल रहा है एकदम ध्यान पूर्वक माना करो, यू विल प्रॉस्पर, यदि मान के तो तुम सफलता प्राप्त करोगे। और हम व्यवस्थित पुस्तक लेके जाएंगे चैप्टर 6 छठा अध्याय। He says that these are commands, decrees and law the Lord the God directed me to teach you, observe in the land that you are crossing, the land to the Jordan crosses, so that you, your children, the children after them may fear the Lord your God as long as he may be keeping all सुनाता हूँ अपने जीवन बहुत चलते रहे जिससे कि तू बहुत दिनों तक तो बना रहे। आमेन। और दस आज्ञा भी परमेश्वर का व्यवस्था है। और छ पर में भी बोलता तुम सारा समस्त शक्ति से बोलता तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारे मन और सारे जान जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। यदि आप आशीष बनने चाहते हैं आपको परमेश्वर का व्यवस्था में आज्ञा पालन कराना होगा। और 28वां अध्याय व्यवस्था की अंतिम पुस्तक 28वां अध्याय। मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग अपना अपना घर में व्यवस्था को 28वां अध्याय पढ़े। सारे आशीषियां जितना निकाले सारे तुम्हारे पास
मानोगे तो तुम्हारा पिता परमेश्वर का व्यवस्था परमेश्वर ने दिया हमारा आज को मानोगे तो ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है लेकिन आज हम वहीं